Hello students, in our previous video we discussed some questions related to probability, and in this video we also discuss some questions related to probability. That a question is given to you: a bag contains 5 red and 3 green marbles. A marble is drawn at random. What is the probability of getting a green marble? Means a bag contains, ek bag mein kya rakha hua hai? Ek bag mein 5 red marbles rakhe hue hain and 3 green marbles rakhe hue hain, and a marble is drawn at random. Ek bag mein se मार्बल्स को निकालना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल? तो बताओ ग्रीन मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मींस एक बैग दे रखा है, बैग में कुछ दैट इज 5 तो रेड मार्बल्स दे रखे हैं एंड 3 ग्रीन मार्बल्स दे रखे हैं, तो आपको बताना है अगर उस बैग में बिना देखे मैं एक मार्बल निकालूं तो वो मार्बल कौन सा निकलना है? ग्रीन मार्बल निकलना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताना है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए गिवन क्या है? गिवन है रेड मार्बल्स 5, ग्रीन मार्बल्स 3, सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन अ बैग इज इक्वल्स टू 5 + 3 दैट इज 8। सो अगर किसी बैग के अंदर एक 5 रेड कलर के मार्बल रखे हैं और 3 ग्रीन कलर के मार्बल रखे हैं तो टोटल मार्बल कितने हो गए बैग के अंदर? तो टोटल मार्बल इन अ बैग इज इक्वल्स टू 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8। सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल इज इक्वल्स टू फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम वो आउटकम जो क्वेश्चन में पूछे गए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रीन कलर के मार्बल कितने हैं? ग्रीन कलर के मार्बल कितने हैं? 3। तो फेवरेबल में आ गया 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल इज इक्वल्स टू 3/8। नाउ अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट टू डाइस आर थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। अगर डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी में कितने आते? डबलेट कितने आते? टोटल 6। नाउ डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी और मल्टीपल ऑफ 3 या सम आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। नाउ यू हैव टू फाइंड टू क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट टू डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। अगर मैं टू डाइस को थ्रो करूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट? तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अगर टू डाइस अगर मैं थ्रो करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं? 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, डबलेट मैंने पहले ही बताया था, ऐसे नंबर जिन पे दोनों डाइस पर सेम नंबर आते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो डबलेट आने के कितने चांस है? टोटल 36 में 6, टोटल नंबर आउटकम इज 36। तो 6/36, 6 की टेबल में 36 कितने टाइम जाता है? 6 टाइम, तो आंसर आ गया 1/6। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज 1/6। नाउ सेकंड, मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम मीन्स, इसका मतलब क्या है? अगर दोनों डाई पे जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर को प्लस करने पर दोनों डाई पे जो भी नंबर आ रहे हैं दोनों को प्लस करने पे किसका मल्टीपल आना चाहिए? वो 3 का मल्टीपल मिलना चाहिए। मीन्स अगर दोनों डाई पे दो नंबर आएंगे, पहले पे कुछ भी आ सकता है, दूसरे पे भी कोई भी नंबर आ सकता है 1 से लेकर 6 तक, उनको जब आप ऐड करो तो ऐड करने पे ऐसा कौन सा नंबर बनना चाहिए? वो नंबर बनना चाहिए जो 3 की मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल मतलब 3 की टेबल में आने वाला नंबर। 3 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? 3, 6, 9 एंड 12। इसका मतलब सम करने पे या तो 3 से 3 आए, या सम करने पे 6 आए, या सम करने पे 9 आ जाए, या सम करने पे 12 आ जाए, उन सभी केसेस को अपन काउंट कर लेंगे। तो ऐसे कितने केसेस होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम इज इक्वल टू 2, 1, 1, 5, 1, 1, 5, 4, 2, 2, 4, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 5, 4, 4, 5, 6, 6। ये सारे केसेस वही केसेस हैं जिन पे सम करने पर 3 का मल्टीपल आएगा। कैसे? 2 और 1 को ऐड करो, 3 आता है, 3 का मल्टीपल है। 2 और 1 को ऐड करने पे अगेन 3 आ रहा है, 3 का मल्टीपल है। 5 और 1 को ऐड करने पे 6 आ रहा है जो 3 का मल्टीपल है। 1 और 5 को ऐड करने पे भी 6 आ रहा है जो 3 का मल्टीपल है। 4 और 2 को ऐड करो तो भी 6 आ रहा है, 3 का मल्टीपल। 2 और 4 को ऐड करो तो भी 6 आ रहा है, 3 का मल्टीपल। 3 और 3 को ऐड करो तो भी 6 आता है जो भी 3 का मल्टीपल है। 6 और 3 को ऐड करो 9 आता है वो भी 3 का मल्टीपल है। 3 और 6 को ऐड करो तो भी 9 आता है, ये भी 3 का मल्टीपल है। 5 और 4 को ऐड करो ये भी 9, 3 का मल्टीपल। 4 और 5 को ऐड करो ये भी 9, 3 का मल्टीपल। 6 और 6 को ऐड करो ये भी 12, 3 का मल्टीपल। इट मीन्स ऐसे कितने केसेस हैं जो 3 के मल्टीपल हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ऐसे कितने केसेस हैं जिसके अंदर मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम मिल रहा है? टोटल है 12। तो फेवरेबल में 12 आएगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केस 36। 12 को 36 से डिवाइड कर देंगे दैट इज 1/3। नाउ होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।